तो देखें सर, टॉपिक वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और काफ़ी रिक्वेस्ट आई मेरे पास उन बच्चों की जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं सर मैथ्स ऑप्शनल के लिए, कि जी टॉपिक वाइज वीडियो बननी ही चाहिए। तो आज देखें हम लोग बात करेंगे सर रियल एनालिसिस की। तो आप ये समझे सर, रियल एनालिसिस जो टॉपिक है इसको कहने वाले ऐसे भी कहते हैं कि ये सर मैथमेटिक्स का हार्ट है। रियल एनालिसिस इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसा कहते हैं कहने वाले। तो हम बात करेंगे सर रियल एनालिसिस में किस किस टॉपिक में से हमें क्या क्या पढ़ना है सर, क्या हमें बुक शुरू से लेके लास्ट तक पढ़नी है, इस बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे सर कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन कौन से प्रूफ करने हैं, कौन कौन से प्रूफ सिर्फ पढ़ने हैं, किन का प्रूफ याद करना है, किन के आने की संभावना एग्जाम में ज्यादा होती है, कौन से प्रूफ इंपॉर्टेंट है, क्या थ्योरम, जो सारी सब बात हम आज करेंगे। तो इससे पहले कि सर मैं आज की रामायण स्टार्ट करूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि लाइक रियल एनालिसिस पढ़ते टाइम सर आपको कैसा जो है वो माइंडसेट अपना रखना है। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे रियल एनालिसिस, जब आप खुद से पढ़ने बैठ रहे हैं तो सर ये नॉर्मल जो मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, जैसे एलजेब्रा है आपका, कैलकुलस है, उन सबसे थोड़ा सा जो है ये सब्जेक्ट सर अलग है, थोड़ी सी ज़्यादा जो है ये ट्रीटमेंट मांगता है। ये वो बच्चा है घर का, आप ऐसे समझ सकते हो, जिसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार चाहिए होता है। सेम विद द रियल एनालिसिस। आप ये देखें सर, इस सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम आप बिल्कुल शांत दिमाग से इसको पढ़ें, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो। अदरवाइज सर फिर ये बुरा मान जाता है और बाउंसर जाता है, और बाउंसर जाएगा तो आप जो है फिर देखें सर इसको बदनाम करेंगे, जो कि ठीक बात है नहीं। सो रियल एनालिसिस पढ़ते टाइम सबसे पहली बात सर कैसा माइंडसेट रखना है आपने, आपने माइंडसेट रखना है एकदम शांति भरा, समझ नहीं आ रहा है तो उसको बिल्कुल ठंडे दिमाग से जो है वो पढ़ना है चीज को। और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैं कहता हूँ सर इसको पढ़ते टाइम, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास थ्योरम्स हैं और थ्योरम्स में सर न्यूमेरिक वैल्यूज होती नहीं है। आप देखें हम बचपन से अभी तक सर न्यूमेरिक वैल्यूज ही पढ़ते आए हैं, तो यहाँ पे अपने यूज होते हैं सर वेरिएबल, एक्स वाई की शक्ल आ जाती है, तो थोड़ा क्या दिक्कत होती है, मैं समझता हूँ सर इस बात को। तो आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो मैं सजेस्ट करता हूँ जब मैं ये टॉपिक करवाता हूँ बच्चों को, तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो ये करता हूँ कि आप एक एग्जाम्पल ले लें उसका, एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लें और सर उस पर उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करें, जैसा जैसा आपको थ्योरम कह रहा है, जैसा जैसा आपको प्रूफ कह रहा है, आप उस पर लगाएं एक बारी और देखें क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब आप उनको रिलेट करवाओगे ना सर, मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे चुटकी की तरह समझ आएगी वो जो थ्योरम है, और उसका प्रूफ भी सर आपको फिर एकदम सेट टू सेट बैठेगा आपके दिमाग में कि हाँ ऐसा तो है ही, ऐसा तो मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, समझ रहे हैं सर बात को। तो ये थोड़ा सा आपने इसको पढ़ते टाइम माइंडसेट रखना है सर। किताब जो है मैं जो फॉलो करवाता हूँ बच्चों को, वो करवाता हूँ अपनी एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस बाय शांति नारायण एंड एमडी राय सिंघानिया। मलिक एन अरोड़ा सर बहुत से लोग फॉलो करते हैं, बट मैं नहीं करता है। अभी जो मैं बताऊंगा आपको वो एमडी राय सिंघानिया की जो बुक है वहीं से बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक उसमें से कवर करने हैं, कौन कौन से सर आपके फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कौन से यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चर्चा में रहते हैं, ये सारी बातें करूंगा। तो देखें सर आपका एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में, मैं दिनेश शर्मा। इससे पहले कि हम आज की गुफ्तगू स्टार्ट करें ऑफिशियली, आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और यूपीएससी के लिए आप सर जी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ्स ऑप्शनल से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी अभाव से सर कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उनको ऐसा ना लगे कि ये टॉपिक जो है यार अब हो नहीं सकता, छोड़ना ही पड़ेगा, सर वो भी समझ पाए इस बात को, समझ रहे हैं बात को। चलो जी बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात हमने देखा कि इसको पढ़ते टाइम माइंडसेट कैसा रखना है। अब आप देखें सर कॉमन प्रॉब्लम इसके अंदर क्या आती है सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम, ये जो सब्जेक्ट है ना मोस्टली स्टूडेंट के लिए न्यू होता है, एक्सेप्ट जो मैथमेटिक्स में ऑनर्स हैं, जो बीएससी किए हुए हैं सर या एमएससी कर रहे हैं अपने मैथ्स के अंदर, उनके लिए तो ये ऐसा यूज टू रहता है कि देखा देखा है। बाकी जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनके लिए ये टॉपिक एकदम न्यू रहता है सर,
तो आप ये समझे, नए टॉपिक को समझने में सर थोड़ा कष्ट जो है ना होता है ब्रेन को। न्यू टॉपिक है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, एक तो मैंने उसका इलाज बताया, आप एग्जाम्पल ले लें, उस पर फिट करवा के देखें, और आप क्या कर सकते हैं सर, उसको शांत दिमाग से पढ़ें बिल्कुल, है ना, उसके बाद आप पाएंगे सर चीज आपको समझ आ जाएगी। एक बार में नहीं आएगी सर, दो बार में नहीं आएगी, तीन बार में नहीं आएगी, दूसरी चौथी बार में तो आएगी। और इसका तो ये भी बेनिफिट है, अगर नहीं समझ आ रहा है सर, आप चैनल पे देखें, रियल एनालिसिस का पूरा प्लेलिस्ट डाला हुआ है आपका यूपीएससी के लिए, तो वहां से भी समझ सकते हैं, कोई ऐसा खास इशू आपको फिर रहेगा नहीं। ठीक है जी सर, अब बात कर लें कौन कौन से टॉपिक जो है हमें बुक में से कवर करने। मैं कहूँगा सर अगेन, मैं एम डी राय सिंघानिया जो बुक है अपनी एलिमेंट्स ऑफ शांत रियल एनालिसिस, मैं इसको फॉलो करवाता हूँ बच्चों को, और हम लोग इसी की ही जो है वो चर्चा करेंगे, मतलब इसमें से कौन कौन से टॉपिक जो है करने हैं और उसमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले देखें आपका जो चैप्टर गिवन है सर, सेट्स एंड फंक्शन गिवन है, इसको आपको पढ़ लेना है। आप बहुत से लोग कहेंगे जी ये तो हमें पहले से ही आता है ना, तो सर अच्छी बात है पहले से आता है, लेकिन आप इस चैप्टर का सर इम्पोर्टेंस समझें, ये यहाँ तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा रियल एनालिसिस के अंदर, सर ये आपको हेल्प करेगा मॉडर्न के अंदर भी, कहाँ भी हेल्प करेगा, मॉडर्न एलजेब्रा के अंदर। सो अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि जी मॉडर्न में देखें फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं तो कह रहा हूँ सर यहीं पढ़ लो, नहीं एक बार ही पढ़ लो ना यार, तो दोनों में काम आ जाएगा, इसमें भी काम तो आएगा ही आपका। सेकेंड चैप्टर है सर द रियल नंबर करके है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से SH UPSC में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, मतलब UPSC में आप देखोगे तो शायद ही आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, बट सर ऐसी भूल मत करिएगा कि इस चैप्टर को आप स्किप मार दो, क्योंकि तो सर इसको नहीं पढ़े तो आगे का रामायण आप भूल जाओ, नहीं आएगा। समझ रहे हैं सर बात को, बेसिकली ये कॉन्सेप्चुअल अपना जो है वो चैप्टर है। उसके बाद नेबरहुड एंड लिमिट पॉइंट, अगेन आप देखें UPSC में इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन थ्योरम्स हैं इसके अंदर सर वो आ जाती हैं, ये चैप्टर नंबर 3 है, बट वही बात है सर, इसको नहीं पढ़ेंगे अगर आप तो आगे के आपके जो कॉन्सेप्ट है उनका फाउंडेशन नहीं बन पाएगा। समझ रहे हैं, बेसिकली ये फाउंडेशन वाले चैप्टर हैं। सीक्वेंसेस सर ये यहाँ से आता है UPSC में, इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5 करना है। अच्छा चैप्टर नंबर 4 इसके बीच में सर नहीं करना है, UPSC के करिकुलम के हिसाब से वो चैप्टर नहीं है, मत कीजिएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 4 इसमें से कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। इनफाइनाइट सीरीज विद पॉजिटिव टर्म चैप्टर नंबर 6 करना है, उसके बाद देखें सर इम्पॉर्टेंट है ये भी। और देन चैप्टर नंबर 7 इनफाइनाइट सीरीज विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म, अगेन इम्पॉर्टेंट है जी। फिर इसके बाद सर चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 नहीं करना है, वो आप कैलकुलस में कवर करोगे। चैप्टर नंबर 10 सर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हालांकि ये टॉपिक आपका कैलकुलस के सिलेबस में गिवन है UPSC में, रियल एनालिसिस में है नहीं, लेकिन आप ये देखें सर यहाँ से इस साल भी एक क्वेश्चन आया था, किसका, रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन था यहाँ से, और इसकी जो सर थ्योरम्स हैं मतलब मीन वैल्यू थ्योरम जो हैं, इनको हम लोग ना अच्छे से समझ तब पाते हैं जब हमें ये कॉन्सेप्ट मालूम हो। सर ये कॉन्सेप्ट कैलकुलस में नहीं पढ़ाए जाते, तो आप समझें ज़्यादा बेहतरी जो मैं समझता हूँ इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, वो ये समझता हूँ कि आप इसको रियल एनालिसिस में पढ़ें सर, कैलकुलस में ना पढ़ें, वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी मिस हो जाएंगी। चलो जी बहुत बढ़िया, उसके बाद सर रीमन इंटीग्रेबिलिटी, वेरी 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 सेंसेशनल टॉपिक फ्रॉम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू। देन अपना रीमन सितलिजस इंटीग्रल सर, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली रीमन ने कुछ फिलॉसफी दी, फिलॉसफी इन द सेंस सर इंटीग्रेशन का इन्होंने एलजेब्रा दिया, और उसी को सितलिजस भाई साहब ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, तो फिर वो बन गया रीमन सितलिजस इंटीग्रल। ये चैप्टर नंबर आप ध्यान रखना, जैसे 10 के बाद सीधा 13 करना है, 11 12 नहीं करना है सर आपको, फिर 14 करना है, उसके बाद सर 15 यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, इंपॉर्टेंट है जी, इस साल क्वेश्चन था यहाँ से UPSC के अंदर। उसके बाद आप ये देखेंगे सर ये दो टॉपिक बिन पैंदी के लोटे टाइप हैं, ये UPSC के सिलेबस में आपको कहीं नहीं मिलेंगे लिखे हुए। बीटा एंड गामा फंक्शन सर क्वेश्चन था इस साल, और वो क्वेश्चन सेम टाइप का हम वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं पहले, तो आया हुआ था। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन सर, बहुत बारी किस्मत अच्छी हो तो 15 मार्कर आता है यहाँ से, तो इम्पॉर्टेंट है।
रियल एनालिसिस में मैं ले दे के बात करूँ ना, देखो मोटे मोटे मुद्दे की बात, ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है सर। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके शुरू के ये जो है ना, ये मान लो आप शुरू के साथ, ये इतने खास कुछ आते नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन सर आना ज़रूरी है। कंसेप्ट बिल्ड होता है इनसे, समझ बनती है चीज़ों की। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में सर, वो आना शुरू होते हैं यहाँ से, चैप्टर नंबर 10 से। आपको मीन वैल्यू थ्योरम से बड़े फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन दिख जाएंगे। रीमन इंटीग्रेबिलिटी सर यहाँ से इस साल थ्योरम आई हुई थी प्रूफ करने को। रीमन सितलेजियस इंटीग्रल ये भी आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर में। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सर इस साल आया ही हुआ था। देन बीटा गामा इस साल आया हुआ था। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल सर बहुत कॉमन है 15 मार्कर में। तो रियल एनालिसिस को ना देखो, मैं जो है वो इस तरीके से बांटता हूँ जब पढ़ाता हूँ, कि रियल एनालिसिस में दो हिस्से हैं। रियल एनालिसिस में सर कितने हिस्से हैं? दो। आपको किस पे ज़्यादा फोकस रखना है ये भी समझेंगे। रियल एनालिसिस में एक हिस्सा है जो बात करता है सर डिफरेंशिएशन और कोर कॉन्सेप्ट्स की, डिफरेंशिएशन एंड कोर कॉन्सेप्ट। और सेकंड जो इसका हिस्सा है वो बात करता है सर इंटीग्रल्स की, है ना, किसकी बात करता है? इंटीग्रल्स की वो बात करता है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो बनाना है सर, वो बनाना है इनका, कोर कॉन्सेप्ट और डिफरेंशिएशन वाले जो टॉपिक हैं। इसमें आप मोटा मोटा ये माने शुरू के साथ आ गए, तो शुरू के साथ आपको बड़े ही तमीज से पढ़ने और बहुत अच्छे से करना है इनको, क्योंकि इनसे आपका फाउंडेशन बिल्डअप होगा रियल एनालिसिस के लिए। समझ रहे सर आप मेरी बात को? और फिर आपको क्या करना है सर, जो ये फाउंडेशन आप पढ़ोगे ना, ये सारा का सारा सर फाउंडेशन आपका यूज़ होगा इंटीग्रल वाले टॉपिक के अंदर। तो इंटीग्रल वाले टॉपिक कहाँ से शुरू होते हैं सर? आप 10 ले लें, 10 बेसिकली डिफरेंशिएशन के अंदर ही आप ले सकते हैं, बट चलो कोई बात नहीं, 10 ले लें सर, 11 ले लें। अब यहीं से शुरू करो आप, इधर से 10 को जो है आप इसी में डाल दो ऊपर वाले में, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन की बातें होती हैं सर। रीमन इंटीग्रल हो गया, रीमन सितलेजियस हो गया, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गया, बीटा गामा हो गया, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल हो गया, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन सर, ये टॉपिक आप तभी कर पाएंगे जब आपके कोर कॉन्सेप्ट क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। समझ रहे हैं सर बात को क्या कह रहा हूँ मैं? समझ रहे हैं तो एक ज़रा लाइक ठोक दो ना। ठीक है जी, इसके बाद देखो हम लोग अब बात कर लेते हैं सर, हर एक चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है, कौन से थियोरम्स उनका प्रूफ देखना है, किसको स्किप करना है। समझ रहे हैं सर बात को? कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप स्टेट पीसीएस भी दे रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज की वीडियो में देखो मैं कवर करूंगा अपने पहले 7, यहाँ तक, मतलब बेसिकली 6 टॉपिक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चैप्टर नंबर 7 तक यहाँ मैं पूरा कवर करूंगा आज के वीडियो में। और फिर मैं देखूंगा सर, अगर आपने इस वीडियो को भी लास्ट वीडियो की तरह ही रिस्पॉन्स दिया, तो फिर इसका सर मैं जल्द ही लेके आऊँगा पार्ट 2, जिसमें मैं बात करूँगा बाकी जो ये मेरे बचे हुए टॉपिक्स हैं इनकी। तो सर अब आप पे डिपेंड करता है ये, कि आप अगर प्यार देंगे इस वीडियो को भी तो पार्ट 2 ज़रूर आएगा, वरना तो सर जी कोई मसला ही नहीं आएगा। खैर अभी देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, वेरी गुड। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सर कि हमें कौन कौन से टॉपिक जो हैं इनके अंदर से यूपीएससी के लिए करने हैं। आइए सर, मैंने पूरा चिट्ठा तैयार किया हुआ है सिर्फ आप लोगों के लिए, कि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कम से कम सर वो ये तो हो जाए ना उनको कि क्या पढ़ना है भैया, क्या छोड़ना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे सर सिलेबस मैथमेटिक्स ऑप्शनल का, और आप सारी बुक्स को कवर करने लग जाएंगे फ्रंट से लेके लास्ट तक, तो सर 2 साल में तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, अपने को सिर्फ वो करना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। एक वो जो यूपीएससी में आ चुके हैं, एक वो जो यूपीएससी में आ सकते हैं, और एक वो जो यूपीएससी में आते नहीं हैं लेकिन उनको पढ़ना पड़ता है ताकि हम बाद के कॉन्सेप्ट समझ सकें, नहीं जो यूपीएससी में आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 सर पूरा ही करना है, इसमें आपने कुछ छोड़ना नहीं है। चैप्टर नंबर 2 से मैं बात कर लेता हूँ, रियल नंबर से,
कि कौन कौन से टॉपिक जो है आप लोग कवर करेंगे सर बुक से, और उसमें क्या क्या जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो द रियल नंबर में सबसे पहले आप देखेंगे, आपको सर टॉपिक मिलेगा सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये आपको जो है वो पूरा कवर करना है। इसमें नेचुरल नंबर्स के बारे में बेसिकली बताया गया है कि नेचुरल नंबर्स के सर अंदर एडिशन होता है, ग्रेटर देन लेस देन रिलेशन होता है, आपका इनवर्स होता है कि नहीं होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कि नहीं होता है, वो सारी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है सर। अगेन अपने पास मैं यहाँ वो लिख रहा हूँ जो जो आपको करने हैं, और सर जो मैं ना लिखूँ आप समझ जाना बाय डिफॉल्ट वो नहीं करना है। अब देखो किताब में मैं ऐसे दिखा नहीं सकता हूँ सर, आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे बताता चलता हूँ पॉइंट कौन कौन से आप लोगों ने कर दिए हैं, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सर वो मैं आपको मार्क करवाता चलूँगा। तो ये तीन जो है सेट हैं अपने पास, अपने पास नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, और फिर रैशनल नंबर्स का सेट है। इन तीनों के बारे में आपने देखो क्या करना है, आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नेचुरल नंबर के पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सर, इंटीजर्स के पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, रैशनल नंबर के पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए, मालूम होंगी। बेसिकली ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, आप यूँ समझो बेसिक है ये बिल्कुल, ये तो आना ही आना चाहिए, इसके बिना सर अपनी गाड़ी जो है वो पटरी पे आएगी नहीं। उसके बाद सर अपना बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट का नाम है देखिए सेट बाउंडेड अबव, बेसिकली बाउंडेड सेट का कॉन्सेप्ट है। तो आप बुक देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नाम लिखे होंगे, बाउंडेड सेट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, है ना, सुप्रीमम, इन्फीमम, सर ऐसे बहुत सारे नाम लिखे होंगे। ये वो वाला टॉपिक है बाउंडेड सेट, क्या क्या नाम लिखे होंगे, बाउंडेड सेट लिखा होगा, अपर बाउंड लिखा होगा, लोअर बाउंड लिखा होगा, सर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिखा होगा, लीस्ट अपर बाउंड लिखा होगा, सुप्रीमम लिखा होगा, इन्फीमम लिखा होगा, ये सारे नाम लिखे होंगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसमें जो है सर दो थ्योरम्स ऐसी हैं जो आपको जिनका प्रूफ करना है। थ्योरम नंबर लिख देता हूँ मैं, थ्योरम नंबर 3 जो है इसका आप लोगों को प्रूफ करना है, पी मतलब प्रूफ, और थ्योरम नंबर 4 जो है सर इसका भी आप लोगों ने प्रूफ करना है, और बाकी जो थ्योरम्स हैं उनसे आपको गो थ्रू होना है, मतलब मालूम होना चाहिए कि सर ऐसा होता है, प्रूफ नहीं भी करोगे काम चल जाएगा। और आप देखें सर कितने प्रूफ याद रखोगे भाई, छोटा सा दिमाग है हमारा, समझ रहे हैं आप बात को। और आप ये भी समझना कि जैसे मान लो आप थ्योरम प्रूफ कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है सर बहुत अच्छा है, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि थ्योरम मैं भूल गया तो पेपर में आया तो क्या करूँगा भाई, तो सर ये मसला सभी के साथ है, आपके साथ नहीं है। तो चिल मूड में रहना है कि थ्योरम आया तो लक्की बात है, आपको याद था, आपको स्ट्राइक कर गया, आप छाप दोगे, नहीं याद था सर जी और स्ट्राइक भी नहीं कर रहा है तो फिर बताओ क्या करेंगे, बाजू वाले का शीट देखेंगे और क्या करेंगे, नहीं। तो आप ये समझना थ्योरम्स का प्रूफ, इनका आपने प्रूफ करना है, प्रूफ को समझना है सर, रटना नहीं है सीधे, समझना है पहले, उसके बाद उसको याद करना है। और कितनी थ्योरम्स याद करेंगे तो मैं प्रूफ सिर्फ उन्हीं के बता रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सर ज़्यादा टाइम मैं भी ना वेस्ट करूँ ना आपका, समझ रहे हैं बात को, अननेसेसरली। चले जी, इसके बाद अपने पास सर टॉपिक है ऑर्डर कंप्लीटनेस। सो ऑर्डर कंप्लीटनेस में आप लोग क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डर कंप्लीटनेस इसमें आपको जो सर वो डिस्कस करना है रैशनल नंबर के बारे में। एक टॉपिक गिवन होगा आपकी बुक में कि ऑर्डर फील्ड ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट, द बेसिकली सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। सर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड फॉर पीसीएस एग्जाम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, इसका प्रूफ क्या है, स्टेटमेंट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट, ये गिवन है सर, ऑर्डर कंप्लीटनेस का टॉपिक गिवन है, और उसके जस्ट नीचे ही आपको ये स्टेटमेंट भी गिवन होगा कि रैशनल नंबर का जो सेट है वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता है, और उसका फिर पूरा प्रूफ सर इम्पॉर्टेंट है, चैनल पे भी अपलोडेड है, समझना है तो देख लेना। इसके बाद अपना जो सर प्रॉपर्टी है एक ये है जी, आप इसको देखें, डेडे डेडे किंड प्रॉपर्टी, ये आपको जस्ट मालूम होनी चाहिए, मतलब गो थ्रू, आर का मतलब है सर रीड करना है, पता होना चाहिए,
और उसके बाद आपको जो है एक प्रॉपर्टी दिखेगी सर, आर्क मीडियन प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है आर्क मीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, इस तरीके से लिखा होगा हेडिंग जो है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ थ्योरम नंबर 1 का आपने प्रूफ करना है, बाकियों से गो थ्रू होना है, मालूम होना चाहिए। तो ये था अबाउट सेकंड चैप्टर विच इज रियल नंबर। रियल नंबर से आपको ये चीज़ें करनी है, बाकी मैंने आपको बता ही दी है। इसके बाद चलते हैं सर चैप्टर नंबर 3 विच इज़ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, एंड जो पूरा हेडिंग है वो देख लेना। नेबरहुड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नेबरहुड ऑफ अ सेट एंड लिमिट पॉइंट करके इस तरीके से आपको चैप्टर गिवन है। इसमें देखें सर क्या क्या करना है, और मैं ये भी बताता चलता हूँ आपको कि किसके आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए। सबसे पहले इसमें टॉपिक यही है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। सो ये इससे गो थ्रू होना है आपको कि कब हम किस पॉइंट को नेबरहुड बोलेंगे। सर आपको उसके बाद देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ नेबरहुड, प्रॉपर्टीज ऑफ नेबरहुड। इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स का जो प्रूफ है वो तो नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी थ्योरम है, इनसे गो थ्रू होना है। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3, जस्ट इनको रीड कर लेना है, गो थ्रू, मालूम होनी चाहिए। सर नेबरहुड के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चन लगाएंगे तभी बात बन पाएगी। सो नेबरहुड के लिए और क्या भी प्रैक्टिस करना है अलग से, क्वेश्चन, क्वेश्चन गिवन है बुक में वहीं पे, तो आप देख लेना, उनको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद सर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, लिमिट पॉइंट करके सर आपको गिवन है, डेफिनेशन गिवन होगा लिमिट पॉइंट का, हेडिंग है बेसिकली, और इसके अंदर सर एक थ्योरम है, नंबर नहीं गिवन उसका, सिर्फ थ्योरम है, प्रूफ करना है सर, इम्पॉर्टेंट है। थ्योरम विदाउट किसी नंबर के गिवन है, तो उस थ्योरम का प्रूफ करना है। और आप ये देखें सर लिमिट पॉइंट पे भी आपको सर क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो लिमिट पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, इस पर क्वेश्चन लगेंगे, आपके बुक में गिवन है। आगे आ जाओ जी, इसके बाद सर टॉपिक है अपने पास डिराइव्ड सेट का। सो टॉपिक है अपने पास डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट में सर अगेन न्यूमेरिकल जो है, मतलब क्वेश्चन जो है आपको लगाने हैं, क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट में सर कहीं फंस रहे हो आप तो चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी रियल एनालिसिस पूरा अपलोडेड है। हाँ कुछ हो सकता है उसमें प्रूफ ना हो जो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सर आप बोल सकते हो 95% कंटेंट अपलोडेड है रियल का चैनल पे। इसके बाद अपने को एक थ्योरम देखने को मिलेगा, थ्योरम का नाम मैं लिख देता हूँ ताकि आप उसे आइडेंटिफाई कर सको, पढ़ लेना भैया जो है नाम अपने आप से। ये थ्योरम है जी, देखें आप RASS थ्योरम, और इसका जो है सर प्रूफ आप लोगों ने करना है, प्रूफ इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद टॉपिक दिखेगा आपको ओपन सेट एंड क्लोज सेट, ओपन सेट एंड क्लोज सेट। सर इसके जो थ्योरम्स हैं वो जस्ट रीड कर लेने आप लोगों ने, प्रूफ नहीं करने हैं। सो इसके थ्योरम्स के लिए गो थ्रू होना है, थ्योरम्स के लिए रीड करना है और क्वेश्चन लगाने हैं सर इस पर। क्वेश्चन लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएगा कि भैया ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, कब क्या कोई सेट ऐसा भी है जो दोनों है, ओपन भी है क्लोज भी है। उसके बाद सर कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लाइक इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट आपको टॉपिक गिवन होगा, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सेट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सेट, ये टॉपिक गिवन है। इसमें थ्योरम्स भी गिवन है, थ्योरम्स जस्ट रीड करनी है और इस टॉपिक पे सर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चन लगाएंगे तो ही बात बनेगी। सो इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, बाकी सर आप देखें कहीं भी फंसते हैं तो चैनल पे वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं ही, तो ऐसी कोई तनाव लेने वाली बात है नहीं। और बाकी सर अगर आप फिर भी अगर ऐसा लगता है कि कोई आपको चाहिए कि जो आपका हैंड होल्ड करे और आपको प्रॉपर गाइडेंस दे, तो उसके लिए आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं।
2023 के लिए 1 जुलाई से सर स्टार्ट हो रहा है, अभी आएगा ना सर, आने ही वाला है बस 1 जुलाई, तब से स्टार्ट होगा लाइव बैच। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो सर कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर समझ पा रहे हैं खुद से तो बहुत अच्छा है। सर एडहेरेंट पॉइंट है और क्लोजर है, अगेन टॉपिक है, इसके भी सर आपको थ्योरम्स गिवन है, आपको जस्ट रीड करने हैं, मतलब गो थ्रू, पता होने चाहिए, प्रूफ नहीं करना है, थ्योरम रीड और साथ में क्वेश्चन लगाने हैं इस पर, ठीक। और लास्ट है सर कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, अभी तक केमिस्ट्री में पढ़ते होगे आप, फिजिक्स में पढ़ते होगे सर, अब मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, लाइक इसमें बोलेगा डेंस एवरीवेयर, डेंस नोवेयर, इस तरीके से बातें हैं, तो कोई थ्योरम नहीं है, जस्ट आपकी बोल सकते हो उनको स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट है और साथ में कुछ क्वेश्चन, तो ये लगा लेंगे तो सर अच्छा रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3 विच इज नेबरहुड ऑफ अ सेट, तो ये करना है इसमें से, मैंने बताई दिया आपको सर, काफ़ी काम हल्का हो जाएगा आपका, आप देखें, वरना रियल जो है भाई साहब जान ले लेता है बच्चों की। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है अपने पास सीक्वेंस, मतलब मेरा तो क्या है, आप देखें सर मैं बच्चों से जो है वो बात करता ही रहता हूँ, आप जैसे बच्चों के कॉल आते रहते हैं मेरे पास सर, बहुत वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मेरे साथ कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, तो रियल का जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट बच्चों का सर शुरू में ख़राब होता है, लेकिन अगर आप वीडियो देख लेते हैं सर चैनल से तो वो सुधर भी जाता है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा बच्चे बोलते हैं कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो काफ़ी कुछ हद तक आसान हो जाता है सर सब्जेक्ट, और जो लाइव क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़े हैं अभी हमसे, और उनका तो सर जी पूछो मत, अभी उनसे बात हो रही थी मेरी सिलसिले में कि रियल का क्या सीन चल रहा है आप लोगों का, तो वो उन्होंने बताया कि भैया अभी PYQ जो है वो आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई उन्हें तनाव जैसा महसूस नहीं होता है, सर जी बहुत ही बढ़िया है। लाइव क्लास में भी यही सब टॉपिक पढ़ाए गए हैं, यही सारी थ्योरम्स बताई गई हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ छुपाया जा रहा है सर, मैं ये वही बता रहा हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ, अलग से देखो मैंने लिखा पेपर पे बैठ के कि कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो स्किप कर जाऊँ मैं, और मैं लाइव में करवाता हूँ और आपको ना बताऊँ, समझ रहे हैं सर बात को, तो इसी बात पर सर आप देखें, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है चैनल को, एक सर वीडियो को लाइक बनता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस का सर आपको डेफिनेशन जो है वो गिवन है, उसको आपको पढ़ लेना है, और कुछ साथ में आपको देखने हैं एग्जांपल कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या है। इसके बाद सर आप ये देखेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, सो इसको आप लोगों ने देखना है। इसमें सर थ्योरम्स हैं कुछ, तो थ्योरम्स 3 थ्योरम है, पहली 2 थ्योरम का प्रूफ करना है, T1 प्रूफ, सेकंड थ्योरम प्रूफ, एंड थर्ड थ्योरम जस्ट रीड, इसी की थ्योरम है, और इस पे कुछ एग्जांपल देखने हैं। इसके बाद सर आपके पास टॉपिक आएगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, और ध्यान रखना मैं अगेन कहूँगा सर ये मैं मलिक एंड अरोड़ा बुक से नहीं बता रहा हूँ, ये MD रायसिंघानिया की जो बुक आती है एसचन पब्लिशर्स की, मैं उससे बता रहा हूँ। थ्योरम 1 रीड करना है कन्वर्जेंट सीक्वेंस में सर, थ्योरम 2 का प्रूफ करना है, थ्योरम 3 जो है और 4 जो है सर इनको रीड करना है, हाँ 4 को और 3 को सिर्फ आप रीड करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, और साथ में आप देखेंगे सर कुछ क्वेश्चंस दिख जाएंगे आपको, सो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेने हैं, बहुत अच्छा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी गुड, इसके बाद देखो हम बाकी जो टॉपिक्स हम की बात कर लेते हैं। इसके बाद सर इसमें जो है मैं लिखता हूँ देखो, और आपको बताता हूँ फिर क्या करना है, इधर का हटा देता हूँ ना मैं, ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है,
इसके बाद देखें सर, हमें जो यहाँ से करना है टॉपिक, वो करना है बाउंडेड नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या करना है सर? बाउंडेड टॉपिक है, नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सर इसकी बेसिकली क्लास गिवन है कि किस किस टाइप के ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो बाउंडेड हैं लेकिन फिर भी कन्वर्जेंट नहीं है। सो इसका देखना है एग्जांपल। अगला टॉपिक जो आप लोगों ने करना है वो करना है सर थ्योरम ऑन डाइवर्जेंट सीक्वेंस। थ्योरम्स गिवन होंगी आपको बहुत सारी इस टॉपिक के अंडर, सो उन थ्योरम्स को आप लोगों ने जस्ट रीड करना है, मतलब गो थ्रू होना है, उसको सर प्रूफ नहीं करना है। आगे चलें सर, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा थ्योरम ऑन लिमिट। थ्योरम ऑन लिमिट्स ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। सो थ्योरम ऑन लिमिट्स में आपको सर T1 थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 पता होना चाहिए, थ्योरम नंबर 3 भी पता होना चाहिए, थ्योरम नंबर 4 इज इम्पॉर्टेंट सर जी। थ्योरम नंबर 4 बेसिकली बात करता है सर सैंडविच थ्योरम के बारे में। पढ़ा होगा ना बचपन में सर, छोटी क्लासेस में सैंडविच या स्क्वीज थ्योरम। सो थ्योरम नंबर 4 इज इम्पॉर्टेंट। थ्योरम नंबर 5 जो है बात करता है सर कॉचीज फर्स्ट थ्योरम के बारे में, इम्पॉर्टेंट है। कॉचीज सेकेंड थ्योरम जो है वो 6th नंबर थ्योरम है सर, इम्पॉर्टेंट है। ये तीन इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ नहीं करने हैं, इन तीन पे एग्जाम्पल देखने हैं या बोल सकते हो आप क्वेश्चंस करने हैं। पहले की तीन थ्योरम जस्ट पता होनी चाहिए सर, और चौथी पांचवी छठी जो है वो पता तो होनी ही चाहिए, साथ पे उस पर प्रैक्टिस भी करनी है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सर आपको दिखेगा टॉपिक जो है कोची सीक्वेंस जो है, इसमें आप देखें आपको जो थ्योरम नंबर 1 है वो रीड करना है सर, थ्योरम 2 भी रीड करना है, लेकिन थ्योरम 3 जो है सर इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ करना है। थ्योरम 3 बेसिकली बात करता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के बारे में। आप ये मान के चलना सर, जितनी भी आपकी ऐसी थ्योरम्स गिवन है ना जिनमें बात होती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की, उन टोटल थ्योरम में से सर 90% इम्पॉर्टेंट हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर आपको देखने को मिलेगा मोनोटोनिक सीक्वेंस। टॉपिक जो है क्या मिलेगा? मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसमें आप लोगों ने क्या करना है? थ्योरम नंबर 1st और 2nd इन दोनों का करना है सर प्रूफ, और थ्योरम नंबर 3rd एंड 4th इनको सर करना है सिर्फ रीड। 3rd और 4th को रीड करेंगे, इनसे गो थ्रू करेंगे नहीं, प्रूफ नहीं करना है। मोनोटोनिक सीक्वेंस सर एग्जांपल साथ में इन थ्योरम्स के ऊपर। देन अपने पास टॉपिक है सब सीक्वेंसेस, जो इसमें से हम लोग करेंगे। सब सीक्वेंसेस में सर थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 से लेके 5 पता होनी चाहिए, मतलब 1 to 5 सर रीड करनी है, प्रूफ नहीं करना है, और उन थ्योरम्स पे एग्जांपल ताकि आपको समझ आ सके। देन हमारे पास सर टॉपिक आएगा लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर। लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर का, लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर मालूम होना चाहिए। इसमें सर थ्योरम नंबर जो है 3, थ्योरम नंबर 3 इसका तो करना है प्रूफ, और बाकी थ्योरम नंबर 1 से लेके थ्योरम नंबर 5 ये सर पता होनी चाहिए, रीड करनी है, एंड अगेन इन थ्योरम्स के ऊपर एग्जाम्पल। सो ये था आपका सर सीक्वेंस वाले टॉपिक का, कि जो अपना 5th चैप्टर है ना राय सिंघानिया सर की बुक में, सो इसमें से आपको ये टॉपिक करने हैं, और इन टॉपिक में से ये जो है वो डिस्कस करना है, तो उससे सर आपका UPSC का जो है वो बात बन जाएगी। देन सर चलते हैं हम लोग इन्फानाइट सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स। इसमें देखते हैं भाई क्या क्या करना है। चैप्टर नंबर 6 इन्फानाइट सीरीज
विद पॉजिटिव टर्म, ये नाम है चैप्टर का, विद पॉजिटिव टर्म्स। सो इसमें देखते हैं सर क्या क्या टॉपिक करने हैं, कौन कौन से थ्योरम रीड करने हैं जस्ट, और किस किस का प्रूफ देखना है। सबसे पहले इसमें आपके पास टॉपिक आएगा कन्वर्जेंस और सम करके लिखा होगा, वो टॉपिक करना है सर। कन्वर्जेंस एंड सम करके लिखी होगी हेडिंग, कन्वर्जेंस एंड सम, और इसके साथ में एक थ्योरम गिवन है, मतलब इसके जस्ट आगे, उसका सर नाम नहीं है थ्योरम का, जो है ना, मतलब नंबर नहीं है, नाम कह रहा हूँ मैं भी सर, उसका नंबर नहीं है, बट थ्योरम इज ऑल अबाउट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करना है, इम्पॉर्टेंट है जी। उसके बाद है अपने पास कोचीज जनरल प्रिंसिपल, कोची भैया का तो कहना क्या है, कोचीज जनरल प्रिंसिपल, जहाँ कोची आ जाए भैया वो इम्पॉर्टेंट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो कोचीज जनरल प्रिंसिपल सर इसका प्रूफ इम्पॉर्टेंट है जी, मार्क कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है, वरना सर कभी भी ये हो सकता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट निकालो प्यारा सा, वेरी गुड। इसके बाद देखते हैं सर फिर क्या करना है आगे। अभी आपको लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन सर आप जब इनको करने बैठेंगे और समझेंगे, सो पूरा रियल एनालिसिस मुझे नहीं लगता आपका 60 घंटे से ज़्यादा लेना चाहिए, है ना, 60-70 घंटे के आसपास यही चलता है इसका, 60-70 के बीच में, इतना सर वाजिब है। इससे ऊपर जा रहा है तो फिर सर मामला गड़बड़ है, या तो हो सकता है चीज़ें समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको, या फिर कुछ और इशू आ रहा है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है। मान लो आप जब पढ़ते हो और ऐसा कुछ होता है कि टाइम जो आपका ज़्यादा लग जा रहा है, तो आप एक बार ही उस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, सर हमारी टीम आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करके थोड़ा गाइड कर देगी, अगर आपको दिक्कत आ भी रही होगी तो। इसके बाद देखें हमारे पास टॉपिक आएगा जर्नल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, जर्नल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। इसमें क्या करना है सर, इसमें थ्योरम नंबर 1 से लेकर 6 तक रीड करना है, टॉपिक पता होना चाहिए, थ्योरम नंबर 1 to 6 जस्ट रीड एंड सम गुड एग्जांपल ऑन दोज थ्योरम्स। उसके बाद आप देखें सर अपने पास 2 इम्पॉर्टेंट सीरीज हैं, 2 इम्पॉर्टेंट सीरीज, टॉपिक का ही नाम है ये, 2 इम्पॉर्टेंट सीरीज, और सीरीज आपको गिवन है सर, एक 1/n लैम्डा करके गिवन है और एक r^n करके गिवन है। सर दोनों ही सीरीज बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इनका सर प्रूफ भी करना है, प्रूफ करना है भैया, चूक ना जाना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हैं सर जी बात को, वरना एग्ज़ाम में मसला हो जाएगा, आ जाएगा तो देख लेना फिर मत कहना भैया बताया नहीं था। इसके बाद है अपने पास प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, कंपैरिजन टेस्ट भी है सर, उसको नहीं करना है, प्रैक्टिकल करना है फर्स्ट टाइप का, देन एग्जांपल। उसके बाद आएगा सर बस अब तो टेस्ट ही टेस्ट शुरू हो जाएंगे आपके, डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, सारे टेस्ट पे आपको एग्जांपल करने हैं। देन अपने पास है कोचीज एनएथ रूट टेस्ट, लिख रहा हूँ कौन कौन से टेस्ट हमें करने हैं, एनएथ रूट टेस्ट एग्जाम्पल करने ही है, आप बाय डिफॉल्ट मान के चले जितने भी ये टेस्ट हैं इनके एग्जाम्पल करने ही करने हैं सर। कोचीज एनएथ रूट टेस्ट के बारे में बोला जाता है इट इज सुपीरियर देन डी एलम्बर्ट, तो इसका प्रूफ, सुपीरियर देन डी एलम्बर्ट प्रूफ, इसका प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ है कि कोचीज एनएथ रूट टेस्ट डी एलम्बर्ट टेस्ट से सुपीरियर है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अपने पास है सर राबे टेस्ट, राबेज टेस्ट जो है ये है, देन अपने पास है सर डी मॉर्गन एंड बिट्रेंड्स टेस्ट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है सर DNB टेस्ट बुला देते हैं, डी मॉर्गन एंड, अब पढ़ लेना यार अपने आप, ठीक है जी, बर्ट्रेंड टेस्ट ये आपको करना है। इसके बाद करेंगे सर, अच्छा टेस्ट में सर किसी का भी प्रूफ मत करने लग जाना,
प्रूफ नहीं आता है भैया इनका, हर एक टेस्ट का ना बुक में प्रूफ गिवन है। सो आप लोगों ने प्रूफ नहीं करना है, ध्यान रखना है, इन सारे टेस्ट की स्टेटमेंट्स देखनी है और उन पे एग्जांपल प्रैक्टिस करने हैं। प्रूफ नहीं करना है सर जी, मतलफड़ों में पड़ जाना इनमें। इसके बाद है सेकेंड लॉगरिथम टेस्ट, वरना तो जन्म जन्म तक रियल एनालिसिस ही चलता रहेगा आपका। सेकेंड लॉगरिथमिक टेस्ट, इसके बाद आएगा सर अपने पास मार्केट के अंदर, ये है कुमर्स टेस्ट। सो ये करना है कुमर्स टेस्ट। फिर कौन सा टेस्ट आ रहा है भाई, कोची इंटीग्रल टेस्ट। और लास्ट सर जी गॉस टेस्ट, इसके बाद जो भी गिवन है नहीं करना है, गॉस टेस्ट अपना लास्ट है। किसी भी टेस्ट का प्रूफ नहीं करना है, किसी भी टेस्ट का प्रूफ नहीं करना है सर। प्रूफ करके आप अपने सिलेबस को जन्म जन्म तक ले जाएंगे, आता नहीं है। किसी का प्रूफ नहीं करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, नो प्रूफ। करोगे तो पाप लगेगा भाई, सिर्फ न्यूमेरिकल, तो सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं इस पर, या क्वेश्चन बोल लो आप वो करने हैं, और इनका स्टेटमेंट ध्यान रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। इसके बाद देखें हम लोग बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज इनफाइनाइट सीरीज विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। इसमें देखें जी क्या क्या करना है, और बाकी देखें सर मैंने बता दिया आप लोगों को कि आप इस वीडियो को भी लास्ट वीडियो की तरह अगर प्यार देंगे तो सर इसका पार्ट टू बहुत जल्द आएगा आप लोगों के लिए, और ऐसे ही फिर धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं आपके लिए वीडियोज लाता रहूँगा। लाइक कैलकुलस में क्या करना है, अपना ODE PDE में क्या करना है सर, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स स्टैटिक्स डायनामिक्स इन सब में क्या करना है, बट ये तभी है भाई जब सपोर्ट करोगे, ऐसे नहीं है देखो। सो सातवां चैप्टर अपना इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि आप देखें सर मतलब मैं बदले में आपसे क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जस्ट आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे अगर नहीं पहली बार आए हो या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जस्ट सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। सर इसमें पैसा थोड़ी लग रहा है कि जा रहा है भैया जेब से पैसा, नहीं जा रहा है ना, इतना कर ही दो, इसमें सोचना क्या है। चलो जी तो देखें इसमें जो है वो क्या क्या करना है सर आपने, इनफाइनाइट सीरीज विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म। सबसे पहले आपके पास एक टॉपिक आएगा जो लिखा होगा एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। कंडीशनल कन्वर्जेंस इंपॉर्टेंट है सर टॉपिक, क्वेश्चन इससे आ जाता है, इतना फ्रीक्वेंट नहीं आता है लेकिन टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। और इसके बाद ही अपने को एक थ्योरम गिवन है सर, उसका नंबर तो नहीं है कुछ, थ्योरम का मैं थोड़ा सा आपको नाम बता देता हूँ, एब्सोल्यूट एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज इज कन्वर्जेंट, एवरी एब्सोल्यूट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये करके सर नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, करना है आप लोगों ने, थ्योरम है। इसके बाद आएगा सर अपने पास टॉपिक अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज के जस्ट नीचे आपको एक थ्योरम लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज लिबनिस थ्योरम। लिबनिस थ्योरम सर, लिबनिस थ्योरम का प्रूफ भी गिवन है बट भगवान की कृपा है प्रूफ नहीं करना है, नहीं आता है, इस पे सर न्यूमेरिकल करने आते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, दो पॉइंट है और इस पे क्वेश्चन सर आप लोगों ने करने हैं, क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है जी लिबनिस, क्योंकि 90% क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के सर लिबनिस थ्योरम से ही होते हैं। उसके बाद अपने पास टॉपिक है कोचीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्ज। एक कोची भैया ना हर जगह है, आप देखेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स में भी है अपने पास कोची भाई, कोचीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। सर ये ज़्यादा कुछ है नहीं टॉपिक, बस आपको पता होना चाहिए क्या है मामला क्या नहीं है। उसके बाद सर कुछ टॉपिक है, जैसे इसके बाद आप आगे आओगे तो हेडिंग मिलेगा सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम ऑन एब्सोल्यूटली, थ्योरम ऑन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज, इस तरीके से हेडिंग मिलेगी।
तो सवाल है इसमें से कौन कौन सा हमें करना है और कौन कौन सा सर छोड़ना है। दो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 सर रीड करना है, प्रूफ नहीं करने लग जाना है उसका। प्रूफ करोगे तो भैया टाइम वेस्ट करोगे और इस पर बेस्ड सर क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद आपको सर दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम मिलेंगे जब आप आगे चलोगे। इसके बाद एक का नाम है सर ये ड्राई चेलेट थ्योरम और एक आप इससे आगे जाओगे तो सर एबल भाई साहब का बहुत नाम है मैथमेटिक्स जगत में, आप लोग इनको जानते होंगे। कहने वाले सर यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी और आपने एबल को नहीं जाना तो किसको जाना भाई। सेम विद द केस ऑफ यूलर। इन दोनों का सर स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रूफ नहीं करना है सर, नो प्रूफ, सिर्फ क्वेश्चन। क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन प्रूफ नहीं करना है। समझ गए सर बात आप। ये आज हमने बात करी, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। देखो स्क्रीनशॉट सर ज्यादा जरूरी है अपनी बातों से। तो आज आप देखेंगे हमने बात करी सर किस पे, शुरू के हमने 6 टॉपिक पे बात करी है और शुरू में सर थोड़ी सी बात करी कि रियल एनालिसिस को टैकल कैसे करना है। आप देखें सर वीडियोस मेरी अवेलेबल हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं तसल्ली से। फिर भी आपको अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, डाउट रहता है सर, आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक ज़रूर करेगी। जैसे ही आप डाउट भेजेंगे ना, आपका डाउट व्हाट्सएप पे सॉल्व कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे नहीं होता तो आपको कोई हमारा ही वीडियो रेफर कर दिया जाएगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा मिले जो आपका हैंड होल्ड कर सके, तो सर ये हमारा बैच हो रहा है UPSC का 2023 के लिए, मैथ्स ऑप्शनल 1 जुलाई से, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स भी चैनल पे अवेलेबल हैं। और पार्ट 2 के लिए इसके मैंने बता दिया ना क्या काम करना है, वो काम करोगे तो पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। तो देखें सर शुक्रिया आप लोगों का आज के लिए, मेरी तरफ से इतना ही था, आपने सर टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपसे सर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।